डेटा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके पास डेटा है वो जाकर के वर्ल्ड को लीड करने वाला है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास डेटा है वो जाकर के हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो जाकर के लीड करने वाली है। बस डेटा इज एवरीथिंग। हम इंटरनेट पे हैं, हमारा फ़ोन इंटरनेट पे है, हम फेसबुक चलाते हैं, हम ट्विटर चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम टेलीग्राम चलाते हैं, हम वहाँ पे अपना डेटा देते हैं। हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वहाँ पे हम अपना डेटा देते हैं, अकाउंट नंबर, पिन, और ये सब डेटा किसके पास स्टोर है? ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन एक ऐसा डेटाबेस बना हुआ है, ऐसा एक अलमारी बनी हुई है जिसके अंदर ये सारा सब कुछ स्टोर होता है। एक ऐसा बैंक है, एक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जो कि टेक्निकल टर्म में नहीं जो जाते हैं के लिए अगर मैं बताऊँ, वहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर है। अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि फेसबुक ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा डेटा लीक हुआ है वहाँ पर, कुछ अप्रॉक्स 50 करोड़, आई गेस कि 500 मिलियन, 533 मिलियन, अगर मैं अपने सामने का डेटा रखूँ, यस 533 मिलियन फेसबुक यूज़र्स का डेटा लीक हुआ है एक बार फिर से। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछले साल भी हमने देखा, अभी 2019-2020 में हमने देखा किस तरीके से फेसबुक का डेटा लीक हुआ था। सो हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या लीक होना क्या होता है और कितना हमारा सिक्योर है। सो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो, दिस इज योर प्रोग्राम फ्रेंड पीयूष, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। हम सब जानते हैं कि एक हमने बहुत खबरें सुनी हैं कि फेसबुक पे आप मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र किस पे हैं? फेसबुक पे हैं। या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़र किस पे हैं? फेसबुक पे हैं। फेसबुक के अंडर अब इंस्टाग्राम आ चुका है, फेसबुक के अंदर अब व्हाट्सएप आ चुका है। अगर जो लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते उनके लिए बता दूँ, इंस्टाग्राम इज़ जस्ट लाइक फेसबुक, बस वहाँ पे फोटोज़ पोस्ट होती हैं और थोड़े बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो अब फेसबुक के बजाय इंस्टाग्राम पे जाते हैं, बिकॉज वो थोड़ा डायरेक्टली कनेक्ट करता है। एंड वी ऑल नो अबाउट द ट्विटर। सो यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, डेटा जस्ट लाइक ईमेल आईडी, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा बायो कि हम क्या करते हैं, हमारे रिलेशनशिप स्टेटस, हमारी लोकेशन, बिकॉज फेसबुक जब आप बोलोगे तो वहाँ पर बताएगा कि क्या आप लोकेशन चाहते हो, वो एक 3-4 परमिशन आपसे मांगता है, उसमें एक लोकेशन होता है, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, आपके फ़ोन नंबर होता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें उस पर दे रखी होती है और हम उसको देते हैं, वो हमसे लेता नहीं, हम उनको खुद देते हैं, अलाउ करते हैं हम उस चीज़ को और वो हमसे ले ली जाती है। सो ये सारा डेटा 533 मिलियन यूज़र्स का, अगर मैं बोलूँ 53 करोड़ यूजर्स का डेटा जो है फिर से एक बार लीक हुआ है, जिसमें क्या इंक्लूडेड है? ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स, आपकी बायोस, आपका ऑक्यूपेशन, आपका एड्रेस, कहाँ लोकेशन आपकी क्या है, और आपका एजुकेशन स्टेटस, आपका ऑक्यूपेशन स्टेटस, ये सब चीज़ें, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका फ़ोन नंबर, बिकॉज आजकल के टाइम पे हमारे फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें लिंक हो रखी हैं, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा आधार कार्ड, ना जाने क्या क्या चीज़ें, यार की कह सकता हूँ मैं, सब कुछ जो है हमारा वो सब कुछ फ़ोन से लिंक हो रखा है। तो अगर हमारा फ़ोन नंबर लीक होता है तो एक हाई चांसेस बन जाते हैं कि आपके अकाउंट में, आपकी सिक्योरिटी में कोई ब्रीच कर जाए या उसमें घुस जाए, एग्री? सो ये सब चीज़ें जो आ जाती हैं ये हमें थोड़ा सा हराने लगती हैं जब हम ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं। हम सोचते हैं फेसबुक को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, फेसबुक के अकाउंट को डिलीट कर देना चाहिए, और क्या सिक्योरिटी नहीं है फेसबुक में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर इंटरनेट पे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरा यूट्यूब पे, सो आप क्या करते हो, आप एक इंटरनेट की दुनिया में घुस गए, करेक्ट? और आपने उस पर कुछ ना कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अपना क्लाउड पे अपना सेव करते हो सारा डेटा, क्लाउड इन द सेंस कि आप जो बैकअप लेते हो, ड्राइव्स में बैकअप लेते हो, वहाँ पे बैकअप लेते हो, तो आपने सारा डेटा उनको दे दिया स्टोर करने के लिए। यू हैव सम रुपीस, आपने बैंक को दिया वो स्टोर करने के लिए। सिमिलरली आपके पास कुछ फोटोज़ हैं, आपके पास कुछ फाइल्स हैं, वो आप एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो कि वो आपके लिए स्टोर कर रखे, बिकॉज उनके पास बहुत बड़ा स्पेस है और आप मानते हो कि दैट उनके पास सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो आपके फ़ोन की स्टोरेज अगर ख़त्म हो रही है, आप क्या करते हो, क्लाउड पे स्टोर कर देते हो, जो कि आप कहीं पे भी एक्सेस कर सको। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग। बात आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी फेसबुक में किस लिए हो रहा है? जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं उनको पता होगा कि टेलीग्राम में हमारे बॉट्स होते हैं, बॉट्स इन द सेंस जो ऑटोमेटिक जो आपको मैसेज कर देते हैं। जैसे हम मैसेज करते हैं किसी को और सामने वाला बंदा रिप्लाई करता है, तभी हम उसको करते हैं कि हाँ उसने रिप्लाई किया। वॉट आर द बॉट्स? बॉट्स आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई करते हैं। आपने पूछा हाउ आर यू, दे बोलेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मतलब जो भी आपने उनको बॉट, रोबोट्स जो बोल सकते हो आप उनको,
तो रोबोट्स को डेटा देने के लिए, रोबोट्स को डेटा देने के लिए हमारा कुछ इसमें जो डेटा लीक होता है, हैकर्स जो डेटा लीक करते हैं वो टेलीग्राम को भेज रहे हैं $20 में, $20 पर सर्च। ये क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा टेक्निकल घुस जाएंगे हम, लेकिन वो बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मानो कि आपका जो डेटा है वो $20 में बिक रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो डेटा लीक होता है, जैसे कि हम डेटा बोलते हैं डेटा लीक हो गया, और डेटा लीक होकर जाता था, सबसे पहले आपके क्वेश्चन ये होगा, तो मैंने बोला कि $20 पे आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आपका डेटा बेचा जा रहा है, ठीक। आप पूरी, आप एक इनडायरेक्टली वे में मैं बोलूँ कि आप जो है वो $20 में बिक गए, $20 इन द सेंस, अगर मैं इंडियन रुपीज की बात करूँ अप्रॉक्स अगर आप लगा लो तो 1500 या फिर 2000 के रुपए में आप बिक गए, अगर जितने भी चल रहे डॉलर मुझे नहीं पता इस टाइम पे। तो चीज़ें कंसर्न करने वाली हैं कि हम क्या फेसबुक पे इतना बिलीव करें, हम क्या ऑनलाइन चीज़ों पे इतना बिलीव करें। रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले ही एक ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट होबी क्विक का डेटा लीक हुआ था, जैसे कि हमारा पेटीएम होता है जस्ट लाइक हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे ऐसे ही सिमिलरली होता है मोबीक्विक, उसका डेटा लीक हुआ, मतलब अकाउंट इन्फॉर्मेशन ये सब डिटेल लीक हुई, और ये बहुत ज़्यादा हाई कर देता है हमारे दिमाग में कि हाँ यार ये चीज़ें लीक हो रही हैं, मतलब हमारे बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा निकाल सकता है। यानी ये सब चीज़ें हमें कंसर्न करने वाली हैं। रिसेंटली ट्रॉय हंट नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्वीट किया था, जिन्होंने सारा बताया कि किस तरीके से आपका फेसबुक जो है वो डेटा लीक कर रहा है और क्या क्या डेटा लीक कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि अप्रॉक्स 7.3 मिलियन रोज जो भी डेटा लीक करके जो भी फाइल जो बन के आई वो, जिसमें सारा सब कुछ था, उसमें 7.3 मिलियन रोज थी, जिसमें से @ सिंपल वाले मीन्स @ मतलब ईमेल आईडीज कुछ थी, जिसमें 440K @ करेक्टर्स थे, 36 मिलियन रिकॉर्ड्स में, और भी ना जाने कितने उनके फ़ोन नंबर्स थे। तो ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मैं आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ इनके ट्वीट्स यहाँ पे आपको। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसर्न करती हैं। हमारा जो डेटा जो लीक होता है ये एक टेलीग्राम पे बेचा जाता है या फिर कोई शायद ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बेचा जाता है, और उसके बाद फिर इसको डार्क वेब में बेचा जाता है। वॉट इज़ डार्क वेब? डार्क वेब अगर मैं बात करूँ तो एक ये ऐसा तरीका है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इनक्रिप्टेड ऑनलाइन कंटेंट बोल सकता हूँ मैं, जो जैसे हम गूगल पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं वो वेबसाइट वहाँ पे नहीं आती हैं, वो डार्क वेब पे चली जाती हैं। डार्क वेब मीन्स समथिंग लाइक डार्क, जो कि डार्क है कोई चीज़, और वहाँ पे डेटा बेच के जो हैकर्स, बेसिकली जितने हैकर्स होते हैं जो हैकिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं, वो डार्क वेब को यूज़ करते हैं। वो डार्क वेब को यूज़ करने के बाद पे वहाँ से फिर आपका डेटा को यूज़ करते हैं, और यही एक वे है जिससे कि आपका डेटा लीक हो जाता है। सो अगर आप ये समझते हो कि फेसबुक ही सिर्फ ऐसा है जो कि आपका डेटा लीक कर रहा है, या आपको ऑनलाइन फेसबुक नहीं चलाना चाहिए, तो आप एक तरीके से गलत हो, बिकॉज आप एक फ़ोन में घुस गए, आप एक फ़ोन में अपने इंटरनेट ऑन कर दिया, बस आपकी लोकेशन ट्रेस कर ली, आपका लोकेशन आपको उसकी पता है। कभी कभी आपने गौर किया होगा आपका फ़ोन ऑफ है, मतलब आपने फ़ोन को ऑफ कर रखा है, अपने फ़ोन को लॉक कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और आप किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगे। जस्ट लाइक सपोज अगर मुझे कार खरीदनी है तो मैं कार के बारे में बात कर रहा हूँ 3-4 दिन तक, आपको वही कार के एड्स कुछ दिनों बाद दिखने लगेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये कि आपका जो माइक्रोफोन है वो भी एक्सेसिबल है, आप जो बोल रहे हो वो भी एक्सेसिबल है, आपकी लोकेशन तो उन्हें पता ही है गूगल मैप, अब जहाँ जहाँ जाते हो, जहाँ आप फोटोज़ क्लिक करते हो, वो सब उन्हें पता है कि हाँ ये जगह पे आप जा रहे हो, ये आपकी टाइम लाइन है, आपने यहाँ पे इतने आर्ट्स निकाले, यहाँ पे आपने ये किया, यहाँ पे आपने वो किया, वो सब उसको पता है। सो इफ़ यू आर यूजिंग द इंटरनेट, यू आर इन टू द डेटा लीक, और आप डेटा में घुस गए, आप इंटरनेट में घुस गए, तो आपका डेटा पब्लिक है, कुछ भी प्राइवेट नहीं बचा, आपकी लाइफ प्राइवेट नहीं बची, आप पब्लिक हो गए। सिक्योरिटी कंसर्न से आप क्या कर सको अगर आप फेसबुक बचाना चाहो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, बट अगर फेसबुक, अगर जैसे सपोज करो आपने बैंक में रुपए दे दिए, आपको पिन अपना पता है, आपको अकाउंट नंबर अपना पता है, आपने किसी को नहीं पता रखा, बट जो बैंक जिसके पास आपका डेटा स्टोर है, जिसके पास आपके पैसे स्टोर है, अगर वही आपके पैसे निकाल के किसी और को दे दे, फिर आप तो कुछ नहीं कर सकते। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, या फिर हम अभी पता होना चाहिए कि जो डेटा लीक हो रहा है कैसे हो रहा है, लीक होकर कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो
तो ये डरने वाली बात भी है और नहीं भी डरने वाली बात है. तो इट्स ऑल, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था. आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताओ. ये वीडियो मैंने सबके लिए बनाया है, एडल्ट्स हैं जो भी पेरेंट्स हैं हमारे वो देख रहे हैं, नहीं पता ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज उनके लिए है. सो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग. बाय बाय.